एक स्पून हल्दी, एक स्पून नमक, छोटा टुकड़ा अदरक, कटा हुआ कुछ बीन्स, कैप्सिकम और टमाटो, कुछ ग्रीन मटर, कुछ करी पत्ता, ग्रीन चिल्ली और कटा हुआ प्याज। ये रहा हमारा सूजी। कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के थोड़ा मस्टर्ड डालेंगे। अपने हिसाब से आप जीरे भी डाल सकते हो या पंचफोरन भी डाल सकते हो। अब करी पत्ता डालेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देन थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से बन जाए। प्याज को थोड़ा भुनने देंगे। देखिए हमारा प्याज अभी फ्राई हो गया है। हम इसमें टमाटो डालेंगे, अच्छी तरह से टमाटो को फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, ताकि हल्दी पहले हम डाल देते तो जल जाता, इसलिए हम अभी डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़े देर के लिए कवर कर लेंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब डालेंगे ग्रीन मिर्ची और मटर, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बीन्स बचा, हमने जितने सारे वेजिटेबल लिए हैं सबको डाल देंगे यहाँ पे। वेजिटेबल चा कैप्सिकम सबको डाल के बीन्स अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अपने मन पसंद का वेजिटेबल आप डाल सकते हैं। देखिए हमारा अच्छी तरह से बन गया। अब थोड़ा पानी देके 5 मिनट के लिए इसे कवर कर लेते हैं। हम थोड़े देर के लिए इसको उबालेंगे। देखिए हमारा उबाल आ गया कितने अच्छे से। देखिए सब वेजिटेबल अब बॉयल हो चुका है। हम अभी इसमें सूजी को डालेंगे। आप अदरक चाहे तो अदरक डाल सकते हैं, हमने यहाँ पर अदरक नहीं डाले हैं। अच्छी तरह से सूजी को मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बबल बबल आ रहा है। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको कवर कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बना है हमारा केक, उपमा केक। आप इसको मिक्स कर लेते हैं, देखिए बन गया अभी। अब हमारा वेजिटेबल उपमा रेडी। अब इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। आप भी बनाइए, आप भी टेस्ट कीजिए और वेजिटेबल उपमा का मजा लीजिए।